अस्सलाम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला के फजल करम के साथ करते हैं जी आज की वीडियो शुरू। तो अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सबसे पहले वीडियोस देख लें एज अ बेल आइकन। तो अभी ये भाई है मुजम्मिल भाई, जिसका ये फार्म है जहाँ पर हम आए हुए हैं। तो फार्म का शौक मैं थोड़ा सा आपको स्लो मोशन में करा दूँगा, जिससे आप लोगों को इंशाल्लाह पता लग जाएगा कि यहाँ पर फार्म कैसा है। लेकिन वैसे मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये फार्म कैसा है, यहाँ पर क्या क्या है और क्या क्या चीज़ें हैं। तो माशाल्लाह शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं। तो चले शुरू करते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। ये देखिए माशाल्लाह से खूबसूरत यहाँ पर कबूतर है, जो कि नस्लों का मुझे तो नहीं पता, लेकिन माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अगर आप लोगों को इसकी नस्ल के बारे में पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये कौन सी नस्ल है। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत मुर्गी है, जिसने अपने बहुत सारे बच्चे दिए हुए, चूज़े दिए हुए हैं ये देखें। और यहाँ पर भी यही हाल है, माशाल्लाह इसने भी बच्चे दिए हुए हैं। मेरे ख्याल में ये असील नस्ल की हैं दोनों, और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत, इंतहाई खूबसूरत देख सकते हैं, ये तकरीबन 60-70 हज़ार रुपये का, ये लाख रुपए का बकरा है, जो मारता वारता भी है। तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इस भाई का भी ने रखा हुआ है, माशाल्लाह मुजम्मिल भाई ने। और ये देख सकते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत नस्ल का, ये तकरीबन 5-7 किलो का होगा, 7 किलो या 6 किलो का होगा। और इसके यहाँ देखें आँखें, देखें वाइट आइज़ हैं इसकी। और माशाल्लाह ये देखें इसे क्या अपनी नसल है, करसन नसल की मई है। और वो रहा डॉगी, सील की तरह तुम्हारी को जी भाई। ये देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है ये देखिए, इसकी आंखें देखिए, ये कासना कलर में है, अलग आप लोग इससे वाकिफ हैं कि नहीं, लेकिन माशाल्लाह ये बहुत ही खूबसूरत है। तकरीबन ये 10,000 से प्लस का है। और इसके पाँव चेक करें, ये फुल मेच्योर हो चुका है और बड़ा हो चुका है। और ये इसकी मेकअप में फीमेल है, ये फीमेल है ना, फीमेल भी माशाल्लाह से बड़ी। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं छोटे छोटे से चूजे माशाल्लाह। और ये भी चक्कर है, तो बिल्कुल खूबसूरत लग रहा है फार्म, बिल्कुल माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और ये बकरा चक्कर है, मैंने आप लोगों को पहले दिखाया। और इसके अलावा यहाँ पर
खरगोश दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। खरगोश कहाँ है? तो खरगोश अभी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस भाई ने अपना इंक्यूबेटर बनाया हुआ है और यहाँ पर डॉगीज भी हैं जिनसे हमें अच्छा खासा डर लगता है। तो ये देखिए जी माशाल्लाह इंक्यूबेटर यहाँ पर बनाया हुआ है, यहाँ पर अंडे शंडे जो है उनका भी सीन यहाँ पर होता है। तो भाई ने बहुत ज़बरदस्त काम किया हुआ है ये। वैसे इन्होंने तकरीबन 10 से 12 हज़ार रुपये का बना था, वैसे कहते हैं कि 6 से 7 हज़ार रुपये का आता है, लेकिन इस भाई ने कुछ अच्छा सा खर्चा किया हुआ है तो इसकी वजह से हुआ है माशाल्लाह। और यहाँ पर डॉगीज भी हैं। अभी ये देख सकते हैं कुत्ता भौंक रहा था, कितना छोटा कुत्ता है लेकिन फिर भी ये भौंक रहा था बहुत जोर जोर से, कुत्ता तो भौंकते ना सर। अच्छा जी, तो इसके अलावा यहाँ माशाल्लाह हम एंटर होते हैं तो ये देखिए यार एक पूरे पक्के मकान में, जैसे पक्का मकान कहते हैं उसमें फुल देसी माहौल बना हुआ है, फुल देसी माहौल बना हुआ है। ये देखें अगर आप यहाँ से देखें ना तो फुल देसी माहौल बना हुआ है यहाँ पर। अब आते हैं आगे की तरफ, ये देखें जी माशाल्लाह कैसे बैठी हुई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और वो भी यार उसके साथ सेल्फी छिकवानी थी लेकिन वो बनवानी मिल नहीं रहा। और ये है जी उसकी फीमेल, इसकी फीमेल है ये माशाल्लाह से। और आगे चलते हैं हम लोग। ओह उठ जाओ उठ जाओ बेटा उठ जाओ। और यहाँ पर ये देख सकते हैं आपकी अच्छी अच्छी खूबसूरत खूबसूरत सी बकरियाँ खड़ी हैं। और ये बकरी भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, ये भी बकरी है, ये भी बकरा है, बकरी है, बकरी है, बकरा है, बकरी है, बकरा है। तो ये माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सीन है यहाँ पर। तो अभी हमने ऊपर भी जाने, यहाँ पर दो डॉगीज़ हैं, तीन डॉगीज़ हैं, तो ऊपर एक नीचे
तो डॉगी से थोड़ा सा हमें भागना है, तो इस वजह से हम इधर आए हुए हैं। और ये देखें माशाल्लाह सील के छोटे छोटे बच्चे, ये तो हीरा हीरे हैं माशाल्लाह। तो जी माशाल्लाह ये चेक कर सकते हैं कि अभी हमने थंबनेल बनाना है, तो इस पाइक को फिर यहाँ पर हमें वो बांध दिया। तो आप ये देखें माशाल्लाह, इसके चेहरा इधर कराएं सर, इधर चेहरा कराएं। उठाना नहीं उठा। तो ये बकरा जो है उसामा को साथ पिकनिक बनवाने दे रहा है, दरअसल वो मस्ती कर रहा है। तो देख आपके साथ नहीं थी इसने मस्ती, मैं शादीशुदा हूँ ना इसलिए। वो था नीचे का सेटअप जो हम लोगों ने आप लोगों को दिखाया, ये थोड़ा सा ऊपर का, और ये बैक का पीछे माहौल है देहात में पूर्ण। तो वो तो हमने सारा कुछ देख लिया है, लेकिन अब आप लोगों को शो करवाते हैं थोड़ा अंदर की तरफ की चीज़ों का। तो चले फिर देखते हैं। तो जी ये देखें दरवाज़ा ओपन करें सर, माशाल्लाह ये सारे ये तो बच्चे हैं। फीड है ये सारे हैं, चावल है कट के लगा था माशाल्लाह। माशाल्लाह वो देखें खरगोश जो हमसे बहुत हमारे वालों से काफ़ी बड़े हैं, यहाँ पर इन्होंने बंद कर दिए। तो वो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ से तो नहीं दिखेगा। ये हैं खरगोश माशाल्लाह बहुत ही तगड़े हैं, तकरीबन इनका साइज भी 2-3 किलो का तो होगा है ना, 2 किलो तक के होंगे। अच्छा हमारे वाले से ये थोड़े से मोटे हैं। ये भाई अगर सेल करना चाहें तो हम लेना चाहते हैं। नहीं नहीं मूड इसी पे है, अगर इनमें से एक सेल करो तो करो। ये देखें जी ये भाई के साथ थोड़ा सा खेल कूद कर रहा है, ये देखें। तो जी अब हम यहाँ से जा रहे हैं, तो माशाल्लाह आप आखिरी ओवरव्यू यहाँ पर कर लें। तो ये लें थोड़ा सा आखिरी स्लो मोशन।